हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, कैसे आपको 50 दिन में रीट की तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पता है आपके 50 दिन जो हैं इतने ही लगभग आपके बाकी हैं आपके एग्ज़ाम को होने में। तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपका काम जो है वो आसान हो जाए, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही रहे हैं लेकिन कुछ बातें जो हैं यदि आपको पता होती हैं तो आपके माइंड से टेंशन जो है वो कम हो जाती है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, जो भी विषय वस्तु है पाठ्यक्रम की, तो उसे आप एक जगह पर समेट के रखें, यानी एक जगह पर ही आपको वो चीज़ मिल जाए, जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं इधर उधर बिखेर के ना रखें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी बात यह है, जब आप स्टडी मटेरियल को एक जगह पर रख लेते हैं तो अब आपके जो रिवीजन के टाइम है तो उसमें आप छोटे छोटे नोट्स जो हैं वो बनाएं, ठीक है। इतना ज़्यादा नोट्स ना बनाएं जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम जो है वो परेशानी हो। कोई भी टॉपिक होता है, जैसे यदि वह टॉपिक जो है वो 4-5 पेजों में कंप्लीट होता है, उसे आप समेट कर एक पेज में कंप्लीट करें, इसी को शॉर्ट नोट्स कहते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम टाइम में इतना सारा पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है शॉर्ट नोट्स, क्यों जैसे जैसे आप याद करते जाते हैं वैसे वैसे आप उनको पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसे शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखिए, ठीक है। जब आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, अब आपको क्या करना है, डेली आपको कोई कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो उसकी रिवीजन जो है वो आपको सोने से पहले करनी ही है, क्योंकि रिवीजन जो है वो जितना भी आपने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई की तो उसे मजबूत कर देता है, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके काम आता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब आपकी रिवीजन भी हो जाती है, तो तब आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं उनसे आपको आकलन हो जाता है कि किस टॉपिक में आप मजबूत हैं, किस में आप कमज़ोर हैं। तो जिन टॉपिक में आप कमज़ोर हैं आप उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को बिल्कुल डीप में जाकर पढ़िए, क्योंकि आप उस चीज़ में वीक हैं। जब आप ये कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करने लग जाते हैं, तो कि कोई भी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है जिन पर आप बहुत डीप में जाकर पढ़ रहे हैं, यदि तब भी वो सॉल्व नहीं होता है तो अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। फ्रेंड से डिस्कस करने पर वो उसकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं, और आपको जो चीज़ याद नहीं होती है तो वो चीज़ आपको याद भी रह जाती है, क्योंकि जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं एक दूसरे से तो वो चीज़ें हमें कई दिनों तक याद रहती हैं। तो इसी तरीके से डिफ़िकल्ट टॉपिक जो होते हैं उन पर यदि आप डिस्कशन करेंगे अपने फ्रेंड से तो आपके दिमाग में वो चीज़ जो है वो बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये तो मेरी तरफ से छोटी सी जो टिप्स थी, जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा ही होगा आपके लिए, और आपकी जो तैयारी है और भी मजबूत होती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कितनी भी स्टडी आप कर रहे हैं ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। जितना आप सिंसियरली कार्य करेंगे तो उतना ही आप एग्ज़ाम टाइम में अपने आप को 100% प्रूफ दे पाएंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।